दाल तो आप सभी लोगों ने तरह तरह की खाई होंगी, लेकिन इस तरह से पहाड़ी कढ़ाई वाली नींबू की दाल बहुत ही कम खाई होगी। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं, आइए देखते हैं नींबू वाली दाल बनाने के लिए हमें कौन सी दाल की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने आधा कटोरा मसूर की दाल ले ली है। मसूर दो तरह की होती है, एक साबुत मसूर, एक दली वाली मसूर। जो हम लोग बनाते हैं ये बिल्कुल पहाड़ी दाल है, हम लेते हैं कटी वाली मसूर, क्योंकि हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, बगैर सीटी के बनाएंगे तो हमको दली वाली दाल लेनी है। और यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून आटा ले लिया है। आटा ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन की फलियाँ काट ली हैं 5-6 और हींग ले ली है। अब मैंने एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले रखी है। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, लोहे की ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में जो भी चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है और दाल भी हमने धो के एक छलनी में निथारने को रख दी थी। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग, हींग डाल लेंगे, और हींग के डालते ही हम कटी हुई लहसुन डाल देंगे। इस दाल में तड़का हींग और लहसुन का ही अच्छा होता है, आप इसमें जखिया भी डाल सकते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें हम दाल को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे दाल, दाल को हम अच्छे से 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे, दाल का कलर बिल्कुल चेंज करेंगे। ये दाल इतनी टेस्टी होती है, क्योंकि दाल तो हर रोज रूटीन में सभी लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि दाल में भरपूर प्रोटीन होता है। और कई लोग को दाल पसंद नहीं होती, जैसे मुझे भी दाल पसंद नहीं है। यहाँ पर हम इस तरह से अगर दाल को बनाएंगे, प्रोटीन तो वही मिलेगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपका बार बार खाने का मन करेगा और बनाने का मन करेगा। इतनी इजी दाल है जो कढ़ाई में बन रही है, आप देख सकते हैं, और कितनी जल्दी और कितने कम मसालों में बनती है और इतनी टेस्टी होती है, आप बार बार इसी दाल को बनाओगे। बिल्कुल डिफरेंट दाल है ये। ये देखिए कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। अब यहीं पर हम 1 मिनट आटे को भी फ्राई करेंगे, दाल के साथ ही करेंगे, क्योंकि दाल में जो बाइंडिंग आ जाएगी ना बहुत टेस्टी होगा और आटा भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। 1 मिनट हम इसको पूरा भूनेंगे आटे को। हमारे पहाड़ों में ये दाल बहुत ज्यादा बनती है और इतनी टेस्टी होती है कि हम तो बार बार इसी दाल को बनाने के लिए जिद करते हैं। अब 1 मिनट यहाँ पर हमारे आटे को हो गया है। इस स्टेज में डालेंगे यहाँ पर हम मसाले। दाल हमारी ऑरेंज से बिल्कुल येलो हो गई है। अब यहाँ पर स्वादानुसार हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 ही टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। मसाले इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ते हैं। 1 मिनट इनको चलाते हुए इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी टेस्टी दाल बनने वाली है हमारी। अब यहाँ पर हम दाल को फ्राई करते हुए पानी डाल देते हैं। इस दाल की नमकीन भी बहुत टेस्टी होती है और नमकीन बनाने का मेथड सेम यही है। यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। पानी जितना भी आपको चाहिए आप यहीं पर डाल दीजिए, क्योंकि दाल हमारी 5 मिनट तक पकेगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा खासा पानी डाल दिया है, क्योंकि दाल के साथ पानी पकेगा। पानी इसमें हम बाद में ऐड नहीं करेंगे, जो भी डालना हमने इसी टाइम पे डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं, यहाँ पर काम और कुछ नहीं है, इसको कवर करके हम पकाएंगे। अब यहाँ पर दाल को 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, कवर हमने निकाल लिया है। ये देखिए 5 मिनट हमारी दाल को हो गए हैं, दाल काफ़ी हद तक गलने लगी है, लेकिन अभी पानी के साथ बराबर चल नहीं रही दाल। जब दाल और पानी बिल्कुल इक्वल चलेंगे तभी हमारी दाल तैयार होगी। अभी 5 मिनट इसमें और लगेंगे। ये वाली दाल तो कई लोग जानते भी नहीं होंगे, ये बिल्कुल पहाड़ी रेसिपी है।
और बिल्कुल यूनिक तरीके से बनती है। इसका बनाने का स्टाइल थोड़ा सा दूसरा रहता है। मैंने अपने चैनल में पहाड़ी रेसिपीज काफ़ी डाल रखी, जैसे भटकी चुड़कानी हो गई, जैसा बड़ी मुंगौड़ी रस भात, काफ़ी सारी मैंने पहाड़ी रेसिपी डाली हुई हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूप की तरह होती है, सूप में अगर नींबू निचोड़ दो और सूप इसका पियो, ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसको। लेकिन मैं इसको चावल के साथ बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैं थिक करूँगी। अब यहाँ पर दाल को हमारे 9 से 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, दाल हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब दाल हमारी बनी हुई है, बिल्कुल अच्छे से ये गल गई है। इस दाल को बनाने के लिए आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, अगर तेज आंच में रखेंगे तो दाल कच्ची रह जाएगी। अब देखिए बिल्कुल रबड़ी की तरह दाल हमारी गली है, एक एक दाना आपको मैं चम्मच से दिखा देती हूँ। यहाँ पर दाल को हमने चम्मच से प्रेस किया तो दाल हमारी बहुत अच्छे से गली हुई है, ऐसी गली हुई दाल का ही टेस्ट आता है। अगर थोड़ा सा इसमें टाइटनेस रहेगी तो ये बेकार लगेगी। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसमें डालेंगे हम नींबू, तब तक हम नींबू निचोड़ लेते हैं। अब इस दाल में जो मेन फ्लेवर लाएगा वो है नींबू। अब दाल हमारी पूरी कंप्लीट रूप से पक गई है, अब लास्ट में निचोड़ेंगे इसमें हम नींबू। नींबू को हम काट लेंगे और एक छलनी लगा के इसका रस निकालेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर रस के साथ बीज नहीं जाने चाहिए, वरना दाल हमारी टेस्ट में कड़वी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें यह है, आप यहाँ पर लास्ट में दही फेंट के भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप खट्टा कितना खाते हैं उस हिसाब से एक या डेढ़ निकाल लीजिए, क्योंकि मैं दो डाल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए दो नींबू में हमारा अच्छा सा जूस निकल गया है। अब इसको हम दाल के ऊपर डालेंगे। जब आप नींबू का रस डालेंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए, और नींबू का रस डालने से दाल का कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दाल पकानी बिल्कुल भी नहीं है, नींबू का रस डाल के ये इनको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर नींबू की दाल बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं क्या इसका टेक्सचर आया है। आप भी इस पहाड़ी दाल को ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही लाइट और बहुत ही हेल्दी दाल है, और खाने में इतनी अच्छी है कि इसके मुकाबले और दाल सारी फेल हो जाएंगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।